हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी, शुक्रवार का दिन है, 7 तारीख है, सुबह का ये टाइम है और मैं किचन में, आप देख लो क्या चेक कर रही हूँ और आपको भी दिखा रही हूँ। तो ये आंधी ने घर में जो है वो बुरा हाल कर दिया है। जहाँ पे जो सामान रखा उसको हटाओ ना तो सामने साफ दिखाई आपको देगा, नहीं हर तरफ जो है आपको रेत ही रेत दिखाई देगा। किचन में है या कहीं भी है, घर में है, किसी रूम में है, बालकनी में है, कपड़ों में है। रात को जो हमने बर्तन धो के रखे हुए थे, मैं सुबह लगाती हूँ क्योंकि रात को वो सूख जाते हैं, तो धुले धुलाए बर्तनों में भी है। तो हर जगह जो है वो धूल मिट्टी हो रखी है, हर किसी के हिस्से में बारिश आ रही है और हमारे हिस्से में जो है वो धूल मिट्टी आ रही है। तो आंधी ने, पिछली ब्लॉग में भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर करा था, आंधी ने बहुत बुरा हाल घर का कर दिया था। और वो आंधी कुछ भी नहीं थी जो कल आई थी, कल रात को जो यानी आई थी ना आंधी, उसने मतलब कई जगह, तो अगले दिन हम जब घर से निकले हैं ना कि काम के लिए, रोड पे कई जगह तो पेड़ जो है वो टूटे हुए थे। और मतलब इतनी तेज आंधी घर के एक एक कोने में, एक एक हिस्से में जो है वो बहुत ज़्यादा रेत था। ये तो घर की हमारी डायरेक्शन और वो चीज़ें कुछ ऐसी हैं, बना हुआ कुछ ऐसा है कि मतलब एक लिमिट तक का रेत जो है वो अंदर आया, शुक्र है भगवान का। और सारे खिड़की दरवाजे मतलब मेरे बंद थे, कोई मैंने ऐसी चीज़ जो है वो छोड़ी नहीं थी कि मतलब रेत किसी न किसी हिस्से से जो है वो अंदर आए। हल्का फुल्का तो देखो आया है लेकिन अंदर इतना नहीं आया, पीछे बालकनी से आया है जैसे। और मैंने जैसे जाली के दरवाजे जो है वो खुले बंद थे और लकड़ी वाले जो है वो खुले हुए थे, तो उनसे थोड़ा बहुत जो है वो अंदर आया। और यहाँ देखो ये धुले धुलाए बर्तन जो है वो मैं दोबारा धो रही हूँ, क्योंकि जो है एक बार पानी में से अच्छे से निकाल दूंगी, क्योंकि सारे बर्तनों पर जो है वो मिट्टी मिट्टी जो है वो हो गई है। थोड़े बहुत अब ये सुबह के चाय पानी के भी जो है वो बर्तन हो गए हैं, तो मैंने इनको निपटा दिया है। और सबसे पहले आज हमारे बहुत सारे काम थे और उन्हीं कामों में मैं बिज़ी थी। सबसे पहले मैंने दूध वाले को फ़ोन करा, फिर मैंने हिमांग की टीचर को फ़ोन करा, क्योंकि सुबह सुबह ही हिमांग के, वरुण की डॉक्टर की अपॉइंटमेंट हमें सुबह 9 बजे की मिली हुई थी, 9:30 बजे की। तो मतलब ये था कि हमें 9 बजे तक उधर जो है, 9 नहीं तो 9:30 मैक्सिमम हमें वहाँ तक जो है वो पहुँचना है, क्योंकि नहीं तो फिर जो है वो एक लंबी लाइन लगती है ना, उसमें बच्चे इंतज़ार नहीं, हम तो इंतज़ार कर ले लेकिन बच्चे इंतज़ार नहीं कर सकते। और वरुण का एक दांत निकलना है जिससे, जिसकी वजह से ना, उन दांतों की वजह से जो है 2-4 दांत हैं जिसकी वजह से उसके आगे के सारे दांत जो है वो आगे पीछे जो है वो हो गए, उनकी शेप आगे पीछे हो गई है। तो फिर जो है उन पे भी ये निकलवा के आगे जाके उन पे जो है फिर तार, आई थिंक जब ये 13 साल का है, 13 साल का हो जाएगा ना, तब इसके दांतों पे ना डॉक्टर ने बोला कि तार भी बंधेगा, और वो जो है ताकि ये दांत वगैरह जो है इसके आगे पीछे से जो भी टेढ़े मेढ़े हो गए वो ठीक हो जाएं, तो वो भी होगा, सारी चीज़ें होंगी। तो फिलहाल आप देख लो घर के कोने कोने में, ये तो ना मैंने खिड़की दरवाजे तो कुछ भी साफ़ नहीं करे, क्योंकि हमें जो है वो निकलना भी था और मतलब पोछा भी नहीं लगाया था। सच कहूँ तो मेरे को ये था बस मैं झाड़ू लगा दूँ, कहीं भी बच्चे हाथ लगाएं या मैं हाथ लगाऊँ तो मुझे ना रेत 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 जो है वो महसूस सा ना हो। और फटाफट से अपना झाड़ू निकाल के, रोटी वोटी बना के, बच्चों को खाना वगैरह खिला के, और हम जो है फिर जल्दी से निकल जाएं। पोचे का ये था, मैंने सोचा तो ये था कि हम जो है वो आने के बाद लगा लेंगे जैसा भी टाइम होगा। फिर अचानक से हमारा प्लान बना कि नहीं हमें जाना है स्कूटी लेने के लिए साथ में। पिछले बहुत लंबे कई महीनों से हम ट्राई तो कर रहे थे लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था, और पिछले 20 दिन से तो आप ये मान के चलिए मैं बेशर्मों की तरह घर बैठी हुई हूँ, बच्चों को किसी भी क्लासेस में या कहीं भी पार्क वार्क में मैं ले जा नहीं पा रही। पार्क यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है, और जो है स्कूटी मेरी ख़राब हो गई थी, मतलब ऐसी हो गई थी वो चल ही नहीं रही थी, और हमें वैसे भी नई लेनी थी लेकिन नई का टाइम नहीं मिल पा रहा था। आज थोड़ा सा प्लान बना था और डॉक्टर के यहाँ से दिखाने के बाद सोचा था कि डायरेक्ट स्कूटी लेने जाएंगे, फिर अचानक से फ़ोन आ गया कोई और इमरजेंसी में उनको जाना पड़ा। फिर हम लोग घर आ गए और वापस फिर हम दोपहर को, उनको टाइम मिला तो कॉल आया, तो हम दोपहर को फिर से अपना जो है कागज़ वागज जो भी लगते लेके हम निकल गए स्कूटी लेने के लिए। और फिर फाइनली जो है मैंने इसको नई स्कूटी जो है वो ले ली है, जी हाँ। और फिर जो है आप स्टेटस मैंने लगाया था, जो भी मेरे से जुड़ा हुआ है, लगभग इतनी सारी विशेज आप लोगों ने मुझे दी हैं बच्चों के साथ जो है, मैं हस्बैंड ने जो है ये फ़ोटोज़ वगैरह जो है वो खींची थी मेरी, तो ये स्कूटी मुझे जो है मतलब बहुत कलर कॉम्बिनेशन, मैंने मैट ग्रे में जो है वो मैंने ली है। फिर वहाँ से हम सीधा आए हैं हिमांग की बुआ के घर पे,
क्योंकि यहाँ पे ना सेल होती है, जब भी कोई नया व्हीकल लेते हैं ना घर में, तो घर की जो लड़की भी होती है ना, बेटी होती है, तो उसके हाथों से जो है वो करवाते हैं। तो यहाँ देखो बच्चों को इतनी एक्साइटमेंट थी, खासकर प्रीशा तो उतनी एक्साइटमेंट थी बच्चों को कि नहीं हम करेंगे, बुआ क्या करेगी, और प्रीशा को इतनी थी कि नहीं सारी चीज़ें मैं करूँगी, मम्मी क्या करेगी। तो सारे टीके वीके बच्चों ने लगा लिए, सारे बुआ भतीजा ये सारे चीज़ें जो है वो मिलके लगे हुए थे। अब परीजा बोले कि ये भी मुझे ही करना, करवाना तो उसे ही था, मतलब इतना जल्दी जल्दी वो, मतलब उसको वो थी ना कि नहीं मैं ही कर दूँ सारी चीज़ें, सबको टीके मैं लगाऊँ सारी, मतलब बच्चों ने खूब खूब जो है वो मस्ती करी। ये देखो फिर हमने जो है उसको शगुन में पैसे वगैरह भी जो है वो दिए, देते हैं शगुन में पैसे जो है वो देते हैं। तो ये मैंने ली है, और मुझे मतलब ये मेरी जो ननद उनके ससुर जी हैं यानी मौसा जी, और सारे वहीं पे थे, बहुत बहुत मज़ा आया। काफ़ी टाइम के बाद जो हम लोग गए थे, सब ने खूब मस्ती करी, और फिर उसके बाद हमने फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाए, काफ़ी देर हम लोग बैठे। और फिर ऐसा हुआ कि वरुण तो उधर ही रह गया था कि नहीं मैं कल सुबह आ जाऊँगा। फिर शाम को जो है हिमांग ने इतना हंगामा कर दिया कि नहीं बिल्कुल नहीं, भाई चाहिए और अभी के अभी चाहिए। और अभी आए हैं मांग की जो है वो बड़ी बुआ के पास, और अभी उनसे जो है वो सेल करवाएंगे, क्योंकि ना मतलब जितनी भी होती ना इच्छा होती है एक से करवाओ दो से करवाओ, मेरे को ये था कि हाँ मतलब हम जो है वो दोनों से करवाएं। और यहाँ पे स्टिकर मैंने इसलिए लगाया क्योंकि जो है ये जो है थोड़ा सा कम्फर्टेबल नहीं है वीडियोज़ वगैरह के लिए, तो इसलिए मैंने जो है वो स्टिकर यहाँ पर जो है वो लगा दिया है। छोटे वाली बुआ जो है वो कम्फर्टेबल है, उनके बच्चे भी कम्फर्टेबल है, सारी चीज़ें। ये इनके बारे में आपने इतना कभी सुना भी नहीं होगा और देखा भी नहीं होगा, क्योंकि ये बाहर ही रहती है, गवर्नमेंट जॉब वगैरह में इनका वो है। तो और अभी तो इनका वो टेस्ट वगैरह और क्लियर हो गया है, ये पीजीटी कॉमर्स की टीचर हो गई है। आपको मिल रही हूँ, और इस वक्त शाम के करीबन 7:57 हो चुके हैं, 7 बजने वाले हैं। अभी मेरी वीडियो का काम पेंडिंग पड़ा है, व्लॉग वीडियो मैंने ज्यादा लंबा नहीं करा था क्योंकि दो दिन से इतनी तेज आंधी आ रही है बहुत ज्यादा, और मैं भी बहुत ज्यादा बिजी थी, जिसकी वजह से जो है वो कल मैं व्लॉग भी शेयर नहीं कर पाई थी, टाइम नहीं था शूट करने का, तो शूट ही नहीं हुआ था, एडिट वगैरह मैं कैसे करती। और आंधी इतनी तेज आई हुई थी, या तो मैं मतलब मैंने झाड़ू वगैरह और हल्का फुल्का शूट करा था वो था, उसके बाद नहीं करा क्योंकि मुझे जो है वो तुरंत निकलना था वरुण को जो है वो दांत दिखाने के लिए, और वरुण का दांत यहाँ तो निकलेगा नहीं, उसको पीजीआई रेफर करा है, तो देखो या तो किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास लेके जाएंगे या फिर जो है वो फिर उधर ही देखेंगे, जो भी होगा वो डिसीजन मंडे या ट्यूजडे होगा। और उसके बाद जो है फिर हम लोग वापस आते आते काफी लेट हो गया था, तो फिर आने के बाद खाना वगैरह खाया और मैं थोड़ी देर लेट गई, और उसके बाद फिर हम जो है हिमांग के पापा आए ड्यूटी से और फिर हम लोग जो है वो चले गए थे एक्टिवा लेने के लिए। तो हम लोग जो है वो चले गए थे एक्टिवा लेने के लिए, कल मैंने स्टेटस भी लगाया था, तो आप लोगों ने बहुत सारी विशेस दी, बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और जिसकी जिसके लिए मैंने इतने दिन से परेशान हो रही थी ना, मतलब पिछले 20 दिन से दोनों बच्चों का इतना लॉस हो चुका है मेरी एक्टिवा ना होने की वजह से, क्योंकि वरुण जिन क्लासेस में जाता है तो वहां पे 1.5 घंटा एक लगता है और उसके साइड बाय साइड तुरंत दूसरी क्लास शुरू हो जाती है, तो 1 घंटा वहां लगता है। तो सबसे पहले 1.5 घंटा साई हैंडराइटिंग में जाता है, तो वहां पे हैंडराइटिंग इंप्रूवमेंट की क्लासेस होती है, तो 1.5 घंटा वहां की होती है। उसके बाद स्पोकन क्लास होती है, उन्हीं का बेटा जो है वो लेता है स्पोकन क्लास, तो वो पिछले 20-25 दिन का एक महीना ही हो गया है, क्योंकि पीछे जब FA1 के एग्जाम हुए थे ना उससे पहले ही वरुण ने जाना बंद कर दिया था। मेरे को ये था कि FA1 के एग्जाम हो जाए उसके बाद, 20 तारीख को खत्म थे उसके बाद मैं वापस कंटिन्यू करवा लूंगी, लेकिन फिर एक्टिवा खराब हो गई मेरी, तो और नई एक्टिवा लाने के लिए जो है वो टाइम नहीं मिल पा रहा था। बहुत सारे लोग मुझे ना कॉमेंट बॉक्स में ये भी बोल देते कि आप दीदी घूमने नहीं जाते, तो काफी सारे जो है लेडीज जिनका हस्बैंड या जिनके फादर मदर जिनका भी या हस्बैंड पुलिस में है, तो उनके भी मेरे पास कमेंट आए, दीदी आप सही कह रहे हो, टाइम कुछ नहीं होता, पुलिस वाले की ड्यूटी ऐसे ही होती है, कहीं घूमने भी निकलो रास्ते में फोन आ जाए कि अभी आना है, छुट्टी होते हुए भी तो वापस आना पड़ सकता है। तो मतलब पिछले स्कूटी लेने के लिए मैं पिछले बहुत लंबे टाइम से कोशिश कर रही हूँ कि आज नहीं कल चलेंगे, आज नहीं कल चलेंगे, लेकिन वही टाइम का इश्यू होता है, टाइम नहीं हो पाता है। और हम कल भी सुबह दाम में हमने ये सोचा कि दांत जैसे दिखाएंगे तुरंत जो है वो शोरूम चले जाएंगे बाहर की बात, लेकिन वो भी नहीं हो पाया क्योंकि अचानक ही ऐसे कॉल्स वगैरह हो जाते हैं कि नहीं जाना पड़ता है ड्यूटी के काम से, तो वो चीजें मैनेज नहीं हो पाती हैं।
तो कल भी ऐसे हुआ था और पिछले इतने लंबे टाइम से मैं कोशिश कर रही थी कि हाँ मतलब एक्टिवा ले लू नहीं बन पा रहा था। और कल फिर हम दोपहर को गए और शाम तक कागजी कार्रवाई और सारी चीजें हुई और शाम को फिर जो है मां की बुआ के घर गए, पहले छोटे वाले के, फिर जो है वो बड़े वाली बुआ के घर गए थे। तो हमारे यहाँ जब कोई भी नया व्हीकल लिया जाता है जो घर की बेटी होती है उससे उसके पानी से और सर्पिया वगैरह निकालना तो वो चीजें जो है वो करवाई जाती है। तो वहां चले गए थे, फिर आते टाइम लेट हो गया और सुबह से ऐसे ही जो है वो, क्योंकि पता था कल मैंने सब, मैं मतलब इतना बिजी थी मैं, कल सिर्फ झाड़ू लगा के मैं गई थी और इतना मैं करके गई थी कि हाँ मतलब अगर कहीं घर में पैर वैर रखें या किसी चीज को हाथ लगाएं तो वो एटलीस्ट वो किरकिर किरकिर महसूस ना हो। किचन में भी आप लोगों ने देखा कितना गंदा बुरा हाल जो है वो हो गया था। तो आज मैंने जो है फिर भी थोड़ी बहुत सफाई करी और फिर इवन जो है खिड़कियां वगैरह वो तो मैंने साफ करी नहीं है क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से आंधी आ जाए। तो आज मैंने थोड़ा वेट करा, अगर नहीं आई तो बाकी डिटेलिंग की जो साफ सफाई और चीजें हैं वो मैं कल करूंगी। और फिलहाल के लिए मंदिर की कोस्ट, भाई मंदिर जो है वो मैंने घर पे ही बनवाया था दिवाली के टाइम से, दिवाली के टाइम पे जब ये नई टीवी यूनिट में हमने बनवाई थी तो ये हमारी जो है वो बनके रेडी हुई थी। 35,000 में मंदिर तैयार हुआ था। और जिसने मंदिर का फोटो मांगा है तो, और होम टूर जिसने मांगा है तो मंदिर का फोटो आप मुझे हिमांग फैमिली ब्लॉग्स पे फेसबुक पे ना सॉरी इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर लो और कहीं भी मैसेज छोड़ दो, मैं वहां पे मंदिर का फोटो आपको जो है वो दे दूंगी। या इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लो तो वहां पे मैं आपको मंदिर का फोटो दे दूंगी। तो और 35,000 का जो है हमारे घर पे मंदिर बन के रेडी हुआ था और होम टूर मैंने ऑलरेडी दे रखा है और दोबारा होम टूर के लिए रिक्वेस्ट आई थी। तो वो चीज जो है मैं कल सॉरी नेक्स्ट मंथ आप शेयर करूंगी, अभी ना कुछ चीजें आनी बाकी हैं, आई थिंक अगले महीने तक चीजें आ जाएंगी, उसके बाद एक प्रॉपर जो है आपके साथ पूरा होम टूर मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूंगी। देखो अभी तो बहुत कुछ बाकी है इस घर में, बहुत कुछ पेंट वेंट ये वो, लेकिन उन चीजों के लिए टाइम नहीं है, लेकिन एक दो चीजें जो आनी है वो नेक्स्ट मंथ आएंगी, पक्का आएंगी नेक्स्ट मंथ, और फिर मैं आपके साथ होम टूर जो है वो शेयर करूंगी। तभी ब्लॉग एंड कर लेते हैं यहीं पे क्योंकि वीडियो को अभी तो अपलोड भी करना है, एक्सपोर्ट भी करना, काफी सारे काम जो है वो 8 बज जाएंगे मेरे को करते करते, 9:30 बजे मेरा वीडियो जाता है। तभी ब्लॉग एंड करेंगे यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच, नमस्ते।